हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 5 स्कूलों से वैकेंसी आई है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। आवेदन आप 5 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। किसी भी राज्य के कैंडिडेट साइंस, मैथ, SST, आर्ट, कंप्यूटर क्लर्क, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है इसमें 24,200 पर मंथ, साथ में आवास की सुविधा भी रहने वाली है। आयु सीमा जो है मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम जो है 45 ईयर तक रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो आप कैसे भेजेंगे और क्वालिफिकेशन जो है सब्जेक्ट वाइज क्या कही गई है। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से वैकेंसी है। 5 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसमें वैकेंसी जो है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की है, गणित की है और सामाजिक विषय की है। ठीक है, फुल टाइम टीचर्स को सैलरी के साथ में आवास की सुविधा रहती है। साइंस की 3 वैकेंसी हैं, गणित की 2 वैकेंसी हैं और सामाजिक विज्ञान की 1 वैकेंसी है। तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ में BEd और आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर का टेट किसी भी राज्य का या फिर CTET आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षा की वैकेंसी है, कला संगीत की वैकेंसी है और यहाँ पर पूर्णकालिक लेखाकार की जो वैकेंसी है ये फुल टाइम के लिए है, जिसमें कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनको यहाँ पर MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। DOEACC या इसके समकक्ष संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर के डिप्लोमा वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, कला संगीत के लिए आपके पास जो है शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा के लिए BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक के साथ में LT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी ने PGDCA किया है, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या फिर स्नातक के साथ में DOEACC या इसके समकक्ष कोई संस्था से ओ लेवल या ए लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी जो है हाफ टाइम टीचर्स की कंप्यूटर के लिए 3 वैकेंसी है, संगीत के लिए 2 वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा के लिए 3 वैकेंसी हैं जिसमें स्काउट गाइड वाले, शारीरिक शिक्षा VPED, CPED, DPED वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप देखेंगे फुल टाइम टीचर्स की तो मैंने आपको बता दी, 24,200 पर मंथ रहेगी। रेजिडेंस आपको फ्री इसमें रहेगा ही। अंशकालिक शिक्षिका को रेजिडेंस नहीं दिया जाएगा, केवल सैलरी रहेगी 10,780 रहने वाली है। ठीक है, पूर्णकालिक लेखाकार की जो सैलरी है फुल टाइम है लेकिन सैलरी कम है 12,100। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया और बस ये 2 वैकेंसी हैं जिसमें भी सैलरी मुख्य रसोईया की 7,590 है और फिक्स यहाँ पर 5,693 जो है सहायक रसोईया की है। 8th पास इसमें चाहिए। सहायक रसोईया में नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, मुख्य रसोईया केवल 1 इनको डिमांड है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर वर्गवार रिक्त पदों का विवरण है तो ये आप ज़रूर देखें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है अपनी आप किस कैटेगरी से हैं वो आपको अंकित ज़रूर करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, कि पिछड़ा वर्ग में वैकेंसी है या फिर अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में कोई वैकेंसी नहीं है, केवल अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अंतर्गत वैकेंसी ये आई है। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से आप पढ़ लेंगे। वैकेंसी जो है कहाँ से जारी की गई है, जनपद कन्नौज में, कन्नौज से ये वैकेंसी है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र, केवल महिला कैंडिडेट को ही ये यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरा जाएगा, कटिंग ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाएगी या फिर 10th के या फिर 8th के। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट आवेदन पत्र जो है निरस्त कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन्होंने सबसे ऊपर दे दिया है, वैसे लास्ट में देते हैं लेकिन इसमें सबसे ऊपर दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर फोटो लगा लेनी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसके नीचे जो है एडवर्टीजमेंट है।
ठीक है, पहले जो एडवर्टीजमेंट रहता है उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, बट इसमें उल्टा कर दिया है। वैकेंसी उत्तर प्रदेश कन्नौज से है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे और आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है, स्कीम में आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए, ठीक है। आप 5 स्कूलों में से किस स्कूल में आपका अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी। उम्र सीमा 25 से लेकर 45 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है लिंक शेयर ज़रूर किया जाएगा, ताकि उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ आ सकें। आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या आपको लगाना है, 2 स्व प्रमाणित फ़ोटो लगानी है, समस्त शैक्षिक अंक पत्र लगाने हैं, प्रमाण पत्र, अनुभव है अगर आप पहले से ही पढ़ा रहे हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र, इसके अंक जो है आपको अलग से ही मिलेंगे, ठीक है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टैट की आपका प्रमाण पत्र, साथ में जो है 2 लिफाफे जो है आपको ज़रूर लगाने हैं जिन पर डाक टिकट लगी हो, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आप करेंगे। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।